अगली खबर में बात करते हैं डिंडोरी की, जहां सहपुरा विकास खंड के बरगांव जनजाति कल्याण केंद्र में रविवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों से लगभग 100 डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का इलाज किया और दवाइयां वितरित की। 12 मोटर ट्राई साइकिल, 60 ट्राई साइकिल, 10 व्हील चेयर, 5 सीपी चेयर, बैसाखी ईआर मशीन, कृत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण वितरण किया गया। कुल 160 उपकरण चिन्हित हितग्राहियों को वितरण किया गया। इस दौरान कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम ने भी शिविर में मौजूद मरीजों का हालचाल जाना। वहीं सभी मरीजों का डॉक्टरों ने परीक्षण किया। इसी दौरान जनजाति कल्याण केंद्र में लगभग 6524 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें नाक, कान, गला, नेत्र, अस्थि, शिशु हृदय रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, चर्म रोग, किडनी, लीवर, पथरी, गैस, सिकल सेल से पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया। विकलांगों के लिए भी मेडिकल प्रमाण पत्र वितरित किए गए और उन्हें जरूरत के हिसाब से उपकरण भी दिए गए। गंभीर रोगियों के निःशुल्क इलाज के मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता प्रकरण शिविर स्थल पर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर स्थल में डॉक्टर भरत शरण सिंह, संदीप रजक, कमिश्नर निसत्य जैन, डॉक्टर पवन स्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम डॉक्टर फुले, रेड क्रॉस चेयरमैन विक्रम सिंह, डॉक्टर प्रदीप सिहारे, रिटायर्ड आईएएस वेद प्रकाश सिंह, शैलेश मिश्रा, कल्याण केंद्र अध्यक्ष एमएलए साहू, पूर्व विधायक डॉक्टर सीएस भवेदी, जाम सिंह, डॉक्टर राजीव साहू, खेम शंकर साहू, रत्नाकर झा, कलेक्टर संजय सिंह, पुलिस अधीक्षक काजल जावला, एसडीएम सहपुरा व रामेश्वर प्रसाद बैगा, सामाजिक न्याय विभाग जनपद पंचायत सहपुरा डॉक्टर श्वेता जैन, डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते, बीएमओ डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर राजीव साहू आदि मौजूद रहे। क्या नाम? बना दो। मोहन सिंह, शुक्रिया। मोहन